दोस्तों नमस्कार, सभी दोस्तों का एक बार फिर हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए जानकारी हम देंगे सूखा रोग के लिए। जिन बच्चों में सूखा रोग हो गया है तो उसको कैसे घरेलू उपचार के द्वारा ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में हम सरल जानकारी देंगे और वो भी घरेलू औषधियों के द्वारा। तो दोस्तों सूखा रोग क्यों होता है और इसके लक्षण क्या हैं, इसको ठीक करने के तरीके क्या हैं, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। कोशिश करेंगे सरल से सरल तरीका आपको करने में आपको दिक्कत न हो, उस तरीके से आपको उपाय बताएंगे और इन उपायों को करने से आपका बच्चे का जो सूखा रोग है वो ठीक हो सकता है। दोस्तों आप जानते हैं कि सूखा रोग में बच्चा प्रतिदिन कमज़ोर होता चला जाता है, उसके हाथ पांव सूखते जाते हैं, पेट बढ़कर आगे की ओर निकल जाता है और त्वचा का रंग भी पीला दिखाई देता है। उसकी जो पाचन क्रिया है वो भी खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है, जिसके कारण बच्चा आपका बहुत ही कमज़ोर महसूस होने लगता है, दिन ब दिन सूखने लगता है। तो इसमें आपको क्या-क्या परहेज करना होगा उसके बारे में हम जानकारी देंगे और किस तरीके से इसको ठीक करना है उसको भी हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, फिर आप अपनी जानकारी के अनुसार वीडियो देखते रहेंगे और आपको नए वीडियो की अपलोड जब हम करते हैं तो उसका अलर्ट आपको मिलता रहेगा, मैसेज आपको मिलता रहेगा, जिससे और जानकारियां आप आगे देखते रहेंगे। तो दोस्तों हम बताते हैं अब आपको कि किस औषधि से बच्चों का सूखा रोग हमें ठीक करना है। तो घरेलू औषधियों के द्वारा ठीक करना है तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको उपाय बताते हैं, कार्ड लीवर ऑयल या जैतून का तेल या महानारायण का तेल, इस तेल से ही बच्चों की मालिश करनी चाहिए, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी सूखा रोग में आराम मिल जाता है। इनमें से कोई सा भी तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कार्ड लीवर का, जैतून का या महानारायण तेल, इनमें से कोई भी एक तेल का इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो बच्चे का सूखा रोग है उसमें जल्दी से जल्दी फायदा होगा और बच्चों की जो मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, वो भी मजबूत होगी, साथ में आपका जो बच्चे का कमजोरी है वो भी दूर हो जाती है। और दूसरा हम तरीका दोस्तों आपको बताते हैं कि सूखा रोग में हरी सब्जियां, फलों का रस और जो चावल का माड़ होता है इसको पिलाने से तो चमत्कार लाभ मिलता है, कितना भी बच्चा कमज़ोर हो, और उसको इन तरीकों से आप पौष्टिक शरीर बना सकते हैं। क्योंकि जब बच्चों की पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाती है, पाचन क्रिया जब खराब हो जाती है तो बच्चों का खाने पीने का भी मन नहीं करता है। तो ऐसे समय में आपको कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे की पाचन क्रिया हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि हरी सब्जियां, फलों का रस है, चावल का माड़ आप दे सकते हैं, बच्चा कमज़ोर है तो चावल का माड़ तो आप आराम से उसको पिला सकते हैं और ऐसा करने से आपको बच्चे को जल्दी आराम दिखाई देगा। और अगला उपाय और भी हम छोटा सा एक बता देते हैं दोस्तों, मकोई का रस लेना है आपको और मकोई का रस को गर्म करके पेट पर लेप करने से भी और जो यकृत वृद्धि है वो भी नष्ट हो जाती है और सूखा रोग में एक अच्छा आराम मिलता है। इस तरीके से भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने अब आपको बताया कि 2 से 3 उपाय हमने आपको सरल सरल बताए हैं और क्या क्या खाना है उसमें भी आपको सब सब तरीका हमने बताए हैं, किस चीज़ का आपको परहेज करना चाहिए वो भी आपको बताते हैं। अगर बच्चे को आप संतुलित आहार देते रहेंगे तो जो कुपोषण की शिकायत है वो भी दूर हो जाती है और जो सूखा रोग है वो उत्पन्न ही नहीं हो पाता। तो कुपोषण का और संतुलित आहार का आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चे खाने पीने में परेशानी पैदा करते हैं, वो नहीं खा पाते हैं। तो उसके लिए हमने आपको 1-2 उपाय ऐसे बताए हैं जिनको आप दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं, चावल का माड़ वगैरह और फलों का रस दे सकते हैं, उससे आपका बच्चे का सूखा रोग जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है। तो दोस्तों इसकी जानकारी यहीं तक है और आप अपने अनुसार कोई भी सा उपाय कर सकते हैं और जो भी
आपको जानकारी हमारी पसंद आती है तो आप लाइक भी करें हमारे चैनल को और अपने लोगों को शेयर भी करते चलें। तो इसी जानकारी के साथ सभी दोस्तों को नमस्कार।